अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और व्लॉग जो है वो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये रमज़ान से एक दिन पहले का है जब मैंने ये वीडियोस वगैरह शूट करके इसको प्रिपेयर कर लिया था, बट बस पोस्ट करने में थोड़ा सा डिले हो गया। तो ब्रेकफास्ट मैं आपको शो कर चुकी हूँ और बहुत ही मज़ेदार ओटमील पैनकेक बना था और इसकी ऑलरेडी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ अपने चैनल पे, और आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूँगी। और यहाँ पर बिरयानी पड़ी हुई थी, चिकन बिरयानी भी मैंने बनाई थी और यहाँ पर मैं उसको गर्म कर रही हूँ, और साथ में मैं बेबी मैरो बना रही हूँ जिसको जूचकिनी भी कहते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने गोल्डन ब्राउन किया है ऑनियंस को, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। इसको थोड़ा सा मैं स्टिर फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करके सारे सिंपल से जो है वो सब मसाला इसमें जाएंगे, और उसके बाद हम इसमें जूचनी जो है आप कट करें, और उसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। उसको हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। और आप चाहें तो आप इसको प्रेशर भी कर सकते हैं, बट मैं सिंपल पका रही हूँ, नरम होती है तो जल्दी पक जाती है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में मेरी ये रेडी हो गई थी। तो आप चाहें तो आप इसमें टमाटोज एज इट इज़ भी डाल सकते हैं जैसे मैंने ऐड किए हैं, और चाहें तो आप लोग इसको ब्लेंड करके भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने जस्ट इसमें सॉल्ट और इसमें मैंने टर्मरिक ऐड की है, रेड चिली ऐड की है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर और धनिया जो है वो कूटा हुआ पीसा हुआ धनिया ऐड किया है, और साथ में मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड कर दी है, और थोड़ा सा 2 कप मैंने वाटर ऐड किया है, 1/2 kg होगी ऑलमोस्ट इसमें 2 कप वाटर ऐड किया है। और देखें ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स के बाद इन बिटवीन आपने चेक करते रहना है, ये रेडी हो जाएगी। इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है और सब्ज़ी हो गई है रेडी, साथ में बिरयानी भी गरम है, और ये हमारा डिनर का टाइम है और डिनर ऑलमोस्ट रेडी है। तो ऑलमोस्ट डिनर ये हम लोग 7-8 बजे के करीब कर रहे थे, तो हस्बैंड ऑफिस से आए थे और साथ में मेरे बेटे का भी दिल कर रहा था पकोड़े खाने का, तो जल्दी से मैंने उनको थोड़े से पकोड़े फ्राई कर दिए थे। और यहाँ पर आप मेरी डिनर की प्लेट देख रहे हैं रेडी है, साथ में मैंने थोड़ी सी सैलड कट कर ली थी और साथ में थोड़ा सा योगर्ट लिया था। मैं बिरयानी खाने वाली हूँ और बेटा क्योंकि बिरयानी या राइस वगैरह इतने शौक से नहीं खाता, तो उसके लिए इसीलिए मैंने सब्ज़ी बना ली थी। और बिरयानी की रेसिपी अगर आपको चाहिए है तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगी। बहुत ही मज़ेदार और इजीएस्ट बिरयानी जो है वो रेडी की थी मैंने, और आप चाहें तो आप रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और गाइस ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और यहाँ पर मैं स्प्रिंग रोल्स बना रही थी, और जैसा कि मैंने बताया है आपको कि मैं ये चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ, और इसकी फुल रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैं लिंक में दे दूँगी। यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रिप्स को सेपरेट कर रही हूँ, और आई डोंट नो ये सुम्बला की स्ट्रिप्स थी, इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने मैदा जो है वो स्प्रिंकल किया हुआ था कि ये आपस में स्टिक ना हो। और लेकिन मैंने स्वीट्स की भी यूज़ की हैं, उसमें इतना ज़्यादा उन्होंने इस तरह से स्प्रिंकल नहीं किया हुआ। और ये देखें जस्ट आपने स्प्रिंग रोल्स का जो मिक्सचर रेडी किया है, आप आलू का बनाना चाहते हैं या चिकन वेज का बनाना चाहते हैं जिस तरह मैंने बनाया है, इसको आप इस तरह से ऐड करके, और इसकी फोल्डिंग मैंने आपको शो की है, तो सिंपल मैदर से आप शो कर लें। यहाँ पर आप एग लगा लें या फिर आप जिस तरह मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 1 tablespoon और 1 tablespoon वाटर ऐड करके उसकी एक पेस्ट बना ली है, तो वो लगा सकते हैं आप, दोनों में से कुछ भी आप लोग यूज़ कर लें। और इस तरह से जल्दी जल्दी से मेरे रोल्स रेडी हो गए थे, और ये मेथड आप देख सकते हैं, और आप चाहें फुल रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी। और ये बहुत ही मज़े के डिलीशियस और सिंपल रोल जो हैं रेडी हो चुके हैं, और आप चाहें तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं, और आप चाहें तो अगर आपके पास एयर फ्राई है एयर फ्राई कर लें, बेक करना चाहते हैं तो बेक कर लें, हर तरीके से जो है ये रेडी हो जाएंगे और रमज़ान में आप इनको इंजॉय कर सकते हैं। गाइस ये एक दिन पहले मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था, और मैंने उसका भी तरीका बताया था, फुल रेसिपी वो भी है मेरे चैनल पे, और उसको मैंने ग्लास जार में स्टोर करने का भी बताया था जिसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और दूसरी तरह से मैंने बताया था कि आप इसको आइस ट्रे में डाल के क्यूब्स बना लें। तो ये मैंने एक दिन पहले रखी थी, तो मेरी क्यूब अब अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हैं, तो इनको भी मैंने प्लेट आउट कर लिया है, और अब मैं इनको ज़िपलॉक बैग में डालकर जो है वो फ्रीज़र करने वाली हूँ। और दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप पेस्ट को ग्लास जार में स्टोर करके फ्रिज में रख दें, या इस तरह से क्यूब्स बना के आप लोग फ्रीज़र में रख देंगे, और जब आपने यूज़ करनी हो आप 2-3 मिनट पहले उसको निकालें और आप उसको अपनी हांडी में डायरेक्ट शामिल कर दें, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है इसका, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर मैंने क्यूब्स रेडी की थी एक एप्पल डेट और ओट्स की, उसकी भी रेसिपी है मेरे चैनल पर, तो यहाँ पर मैंने उसका शाम का टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं उसका शेक बनाकर देख लेती हूँ कि कैसा बनता है, और बहुत अच्छा बन गया था। आपने जस्ट दूध का एक ग्लास लेना है, और उसमें आप ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ क्यूब का साइज़, तो जिस तरह से मेरी क्यूब का साइज़ है ये आप तकरीबन
इसमें तीन डालें, एटलीस्ट आप तीन डालेंगे तो ये इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ गया था। एप्पल डेट्स और ओट्स का ये मिक्सचर था। और मीठा अगर आपको इसमें मुनासिब नहीं लग रहा तो आप इसमें चाहें तो दूध के साथ शुगर ऐड कर लें, या आप चाहें तो आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान करिए, मुझे दुआओं में याद रख। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।